डबल एंगल फार्मूला, बट डबल एंगल फार्मूला इसको क्यों कहते हैं, डबल एंगल की वजह से। आपके पास पहले आपने फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कौन हो जाएगा हां समीर, साइन अल्फा हां जी कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा ठीक है, प्लस ठीक आप कुछ से प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेटा ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके 10.27 से यूज भी कर चुके 10.1 के अंदर भी, इसी फार्मूले को यूज करते हुए डबल एंगल फार्मूला बनाया गया है। कैसे, वो कहते हैं कि बीटा को अगर आप पुट कर दें अल्फा की जगह, बीटा की जगह आप क्या पुट कर देते हैं अल्फा, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहां पे साइन अल्फा प्लस अल्फा, जहां जहां बीटा वहां अल्फा आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन बता दूं, ये साइन अल्फा अल्फा है, बीटा जहां जहां उसकी जगह क्या लगाया है अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। और सो देखो ये दोनों चीजें सेम सेम है कि नहीं है, सिर्फ आगे नीचे, तो इसको लिख सकता हूं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पे अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा बीटा 2 अल्फा। तो इसीलिए इसको डबल एंगल फार्मूला कहा गया। हम रिजल्ट ये वाला यूज करेंगे जब भी डबल एंगल के लिए यूज करेंगे, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा, लेकिन ये उसकी डेरिवेशन है कि ये फार्मूला बना कैसे है। इज इट क्लियर, sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, उसी फार्मूले में बीटा की जगह में अल्फा को पुट किया तो sin 2 अल्फा का फार्मूला ये बना, cos 2 अल्फा का फार्मूला के मैं रिजल्ट लिखूंगा बनेगा वो भी cos अल्फा प्लस बीटा से, लेकिन cos 2 अल्फा का जो फार्मूला है उसके फार्मूले के तीन रिजल्ट यूज होते हैं। cos स्क्वायर का जो पहला फार्मूला है वो आपके पास है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा है, ये इसका मेन रिजल्ट है। अच्छा अगर इस फार्मूले के अंदर यहां पे sin प्लस की आ जाए तो फिर ये किसके इक्वल होता है, माइनस उधर अल्फा माइनस बीटा, नहीं अगर यहां प्लस की साइन हो, ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड को देखो, फॉर एग्जांपल इधर प्लस की साइन हो तो ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड, वन सही है, गुड। साइन स्क्वायर है थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अगर यहां प्लस की साइन है दैट इज इक्वल टू वन, ये चीज का ख्याल करना है, यहां पे माइनस की साइन है और पहले है भी आपके पास क्या है कॉस, ये इसका मेन फार्मूला है डबल एंगल। कॉस 12 के तीन फार्मूले यूज होते हैं, एक फार्मूला आपके पास ये यूज हुआ, साइन 12 का एक ही फार्मूला यूज होता है, जबकि कॉस 12 के तीन फार्मूले यूज होते हैं। जो अभी फार्मूला आपको मैंने बताया है, जैसे आपके पास बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये थीटा की जगह अल्फा भी लगाए तब भी आपके पास रिजल्ट वन होता है। ये फार्मूला आप 9 चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, ऐसे है ना। अगर यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर, गुड। अब ये क्या होता है फार्मूला, जब आप सवाल के अंदर यूज करते हैं तो कई जगह हमारे पास कॉस और उसकी साइन की फॉर्म को यूज करना पड़ता है, तो मैं इस कॉस के अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पे पुट करूंगा, तो बेटा आपके पास क्या है कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो पहले से मौजूद है, बात समझ आई कि नहीं आई, इसकी वैल्यू को पुट किया मैंने इस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को, कहां से यहां से लेके, तो यहां क्या बन जाएगा राइट हैंड साइड सिंपलीफाई करने पे, गुड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास कॉस 2 अल्फा का सेकंड फार्मूला जो हम यूज करते हैं वही, ठीक है। जैसे मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट किया, अगर मैं इसी तरह से इस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को पुट करूं यहां से निकाल के, क्या बनेगी इस फार्मूले के अंदर, यहां से अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालू तो क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन ये कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर आपके पास वैसे के वैसे जैसे पहले वाला है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं, ये कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, क्लियर। यहां से इस फार्मूले से निकाल लिया, ये डेरिवेशन बता रहा हूं, रिजल्ट हम
जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां से रिजल्ट यूज करेंगे, मैंने बॉक्स में बंद किए हुए हैं। ये फार्मूला प्रूफ कैसे होता है वो साथ साथ बता रहा हूं। तो बेटा आपके पास जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। ये कॉस टू अल्फा का तीसरा फार्मूला है जो हम यूज करेंगे सवालों के अंदर, क्योंकि हम यूज करते वक्त पता कैसे चलेगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। मैंने बताया ना हमारे पास 10.3 में आइडेंटिटीज मीन लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है, यानी लेफ्ट हैंड का राइट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, तो उस राइट हैंड साइड को देख के हम फार्मूले को चूज करेंगे। ठीक है, cos 2 अल्फा के तीनों फार्मूले हो गए, sin 2 अल्फा के तीनों फार्मूले, एक फार्मूला हो गया, उसके बाद आएगा tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा का फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे तो वो tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से करेंगे, के करा देता हूं ताकि आपके पास डबल एंगल आपके पास ही पूरा हो जाए। टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, गुड फार्मूला आपके पास ये है कि टेन अल्फा प्लस आपके पास टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन आपके पास अल्फा एंड टेन बीटा, यही फार्मूला है ना। जैसे हमने यहां बीटा की जगह क्या पुट किया था अल्फा, सेम हम यहां पे काम करेंगे, बीटा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं अल्फा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा टेन अल्फा प्लस अल्फा, बीटा की जगह आ गया ना, राइट हैंड साइड में जहां जहां बीटा वहां क्या लगा देंगे अल्फा लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास टेन अल्फा प्लस आपके पास टेन अल्फा ओवर वन माइनस आपके पास टेन अल्फा एंड आपके पास टेन अल्फा। राइट हैंड साइड को वन तो बन रहेगा बेटा, नहीं वो कट कट कौन सा कट होगा, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है और ऊपर प्लस है, अगर ऊपर प्लस और माइनस हो आउट ऑफ रूल है, मल्टीप्लिकेशन की साइन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये बन जाता है टू आपके पास टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। जब हम टेन टू अल्फा की जगह फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला 13.2 में भी यूज होता है tan 2 अल्फा डबल एंगल का, वहां पर भी ये फार्मूला हम यूज करते हैं जहां पर tan इनवर्स a और tan इनवर्स b यूज किया था। तो ये आपके पास सिर्फ अभी जो मैंने फार्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं वो डबल एंगल के हैं, इसके बाद क्या है हाफ एंगल है और ट्रिपल एंगल है। जैसे यहां पे आपके पास क्या है tan sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा, फिर उसके बाद आपके पास जो फार्मूले बनेंगे हाफ एंगल में आपके पास क्या आ जाता है कि हम इसे हाफ करते हैं, और हाफ कैसे करते हैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर पॉज करता हूं बेटा। हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला आपके पास cos अल्फा ओवर 2 क्योंकि हाफ ये बन रहा है, और उसके बाद क्या आ जाता है sin अल्फा ओवर 2, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है tan अल्फा ओवर 2। इसकी मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताता हूं, रिजल्ट के बाद कौन डेरिवेशन करना होगा आपको बता दूंगा। इधर आपके पास cos अल्फा ओवर 2 है तो 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2 आ जाएगा रूट के अंदर, और यहां प्लस माइनस की साइन भी है, sin अल्फा ओवर 2 में और कुछ नहीं करना, इस प्लस की साइन किस में चेंज कर दें माइनस में, sin अल्फा ओवर 2 का फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस और प्लस माइनस, और टेन आपके पास फार्मूले पढ़ चुके हो टेन और साइन ओवर कॉस, तो ये साइन ओवर कॉस टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा वन माइनस साइन अल्फा ओवर वन प्लस कॉस अल्फा, ये फार्मूला आ जाएगा टेन अल्फा ओवर टू। एक फार्मूला याद रखोगे दूसरे दो खुद खुद याद हो जाएंगे, cos alpha का फार्मूला क्या है 1 plus cos alpha over 2, sin के लिए क्या कर दें जैसे sin है ना sin sin चेंज कर दो, sin का नाम ऐसे बस sin बन रहा है, ये sin चेंज करके प्लस से माइनस, एक सेकंड मैंने गलती की है लेट मी चेक, गलती की मैंने sin चेंज करने के लिए कहा है लेकिन साथ में sin लिख भी दिया बाय मिस्टेक, तो ये मिस्टेक करी सिर्फ sin चेंज करनी है, इसलिए जब वो लिखने लगा तब मुझे याद आया कि आपके पास साइन फार्मूले के अंदर सिर्फ साइन को चेंज करना है कॉस को चेंज नहीं करना,
ठीक है, तो यहां साइन चेंज कर दी, यहां पे आपके पास साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन ओवर कॉस करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। इज इट क्लियर? और इसको क्यों हाफ एंगल कहा जाता है, यहां पे हाफ है तो यहां पे एंगल क्या है 1, यहां भी हाफ है तो यहां पे एंगल क्या है 1, यहां भी हाफ है तो यहां पे एंगल क्या है 1। और ये आपके पास फार्मूला हमने यहां से ड्राइव किया है, cos 2 अल्फा का फार्मूला, यहां पे एंगल को दोनों तरफ जब डिवाइड करते हैं हम आपके पास डेरिवेशन करेंगे तो इधर जो 2 अल्फा है दोनों तरफ एंगल को 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर 2 पे डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा cos अल्फा, इधर cos अल्फा ओवर 2। मैं आपके पास प्रूफ करके दे देता हूं बेटा, ये डेरिवेशन मैं बता रहा हूं, एक ही डेरिवेशन होगी दूसरी खुद को समझ आ जाएगा। 2 cos square alpha minus 1, हमने क्या करना है दोनों तरफ एंगल को डिवाइड कर दिया 2 पे, इधर भी एंगल को 2 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी एंगल को 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 2 2 के साथ क्या हो गया क्या बच गया cos alpha is equal to 2 cos square alpha over 2 minus 1, इस minus 1 को उठा के इधर लाएं तो क्या हो जाएगा तो 1 plus cos alpha is equal to 2 cos square alpha over 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर पर क्या हो जाएगा तो 1 plus cos आपके पास alpha over 2 is equal to cos square alpha over 2, square को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा under root लेंगे इधर भी और इधर भी, इधर square square root cancel क्या बच जाएगा cos alpha over 2 is equal to 1 plus cos alpha over 2 square root, आपके पास चेक कर लिए और ये सिंह से मानी नहीं आगे, ये चीज है डेरिवेशन, डेरिवेशन हाउ टू ड्राइव दिस फार्मूला, लेकिन जो हमने क्वेश्चन में यूज करना है उसे ये यूज करना है, समझ आई बात। हमारे पास 10.3 के 90% क्वेश्चन के अंदर डबल एंगल और हाफ एंगल यूज हो रहा है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज हो रहा है, ट्रिपल एंगल फार्मूला एक दूसरे वाला यूज होता है, तो पहले इनको तैयार कर लें उसके बाद में ट्रिपल एंगल तैयार कर सकते हैं, ठीक है।